ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, रोचक जानकारी में आपका स्वागत है। पेड़ पौधे सिर्फ हमारे पर्यावरण की दृष्टि से ही लाभदायक नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जीवन में शुभ प्रभाव भी डालते हैं। ज्योतिष और शास्त्रों में कई सारे ऐसे पौधे बताए गए हैं जिन्हें घर में लगाने से व्यक्ति को पुण्य के साथ सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। ऐसा ही एक पौधा है दोस्तों, बेलपत्र का। शिव पुराण में घर पर बेल का वृक्ष लगाने के फायदों का बहुत ही उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार जिस भी स्थान पर या घर में ये पौधा या वृक्ष होता है, वह काशी तीर्थ के समान पवित्र और पूजनीय स्थल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर आंगन में पर्याप्त जगह नहीं है तो गमले में भी ये पौधा लगा सकते हैं और अधिक बड़ा होने पर किसी मंदिर में दान कर सकते हैं और दूसरा पौधा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बेलपत्र लगाने से और क्या क्या लाभ मिलते हैं। अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा में बेलपत्र का प्रयोग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पौधे को घर में लगाने से भी आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है? जी हाँ, शिव पुराण के अनुसार घर में बेलपत्र होने से व्यक्ति के बुरे कर्मों का प्रभाव नष्ट हो जाता है और घर में रहने वाले सभी सदस्यों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। धन प्राप्ति और मनोकामना पूर्ण होती है। घर में बेलपत्र के पौधे के पूजन से अत्यंत लाभ मिलता है। जिस भी माह में घर के दिन पड़े, संध्या समय इस पौधे के नीचे दिया अवश्य जलाएं। दिया जलाते हुए अपनी मनोकामना मन में बोलें तो वह बहुत जल्दी पूरी होती है। ध्यान रखना है, द्वादशी रविवार की पड़े तो जरूर ये कार्य करें। साथ ही ऐसा करने से उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और सभी जन्मों के महापापों से मुक्ति मिलती है। नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति मिलती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के प्रांगण में बेल का पौधा होने से आप सभी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं से बचे रहते हैं और घर की सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से मुक्ति मिलती है। चंद्रमा की बुरी दशाओं से रक्षा करता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर आंगन में बेल का वृक्ष होता है, वहाँ रहने वाले लोगों पर कभी भी चंद्रमा की बुरी दशाएं नहीं आती। हर सदस्य यशस्वी बनता है और पूरा परिवार समाज में उच्च सम्मान प्राप्त करता है। घर की अलग अलग दिशाओं में बेल का वृक्ष होने से अलग अलग फायदे प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही दिशाओं का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये आपको और भी अधिक लाभ पहुंचाता है। शास्त्रों के अनुसार घर की उत्तर पश्चिम दिशा में लगा बेल का पौधा वहाँ रहने वाले हर सदस्य को यशस्वी और तेजवान बनाता है। इसलिए सम्मान तथा प्रसिद्धि पाने के लिए इसे इस दिशा में लगाना चाहिए। उत्तर दक्षिण दिशा में लगा बेल का पौधा परिवार को आर्थिक संपन्नता देता है। ऐसे परिवार का हर व्यक्ति धनवान बनता है और कभी भी उन्हें धन की कमी नहीं होती। कर्ज से मुक्ति के लिए भी इस दिशा में बेल का पौधा लगाना चाहिए। वहीं घर के बीचों बीच बेल का पौधा लगाने से घर में परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम भाव रहता है। उनके जीवन में किसी भी प्रकार से अचानक आने वाला दुख और शोक नहीं आता है। शांति होती है और वे कलह से हमेशा बचे रहते हैं। इन सबके साथ ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि घर में बेल पत्र लगाने के कुछ नियम भी हैं, जैसे कि किसी भी माह की अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा तिथि तथा सोमवार के दिन बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए अगर आप हर रोज शिव पूजा करते हैं या सोमवार के दिन अवश्य ही बेल पत्र के साथ शिव पूजा करते हैं तो एक दिन पहले ही ये पत्तियां तोड़कर रख लें, क्योंकि दोस्तों ये गलती हमेशा हम पूजा में करते हैं कि जब हम सोमवार के दिन भगवान को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो हम उसी दिन सुबह के समय ही बेलपत्र की पत्तियां तोड़ते हैं। लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। तो इस चीज़ का दोस्तों बहुत ही ध्यान रखें। आज का वीडियो दोस्तों बस यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार।